हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी A04 5 फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी A04 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशंस लाइट हैं, तो नोटिफिकेशंस लाइट को कैसे इनेबल कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A04 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और कैसे नोटिफिकेशंस लाइट को इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल करके कैसे यूज़ कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शोर हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सेटिंग्स को ओपन कर लेना है कुछ इस तरीके से। फिर आपको यहाँ से जाना होगा स्लाइड करके एक्सेसिबिलिटी पर। एक्सेसिबिलिटी पर जाकर आप देखते हैं कि एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाएगी तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है एडवांस सेटिंग्स। तो एडवांस सेटिंग्स को जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये फ्लैश नोटिफिकेशंस का ऑप्शन आ जाएगा, जिसके ज़रिए आप नोटिफिकेशंस लाइट को इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको इनेबल करते हैं, टैप करके यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और लाइटिंग को नोटिफिकेशंस में शो कर सकते हैं। देखते हैं इसका प्रीव्यू कुछ इस तरीके से शो करेगा। इस तरीके से कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो लाइटिंग शो करेगी। तो इस तरीके से आप स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको ऑन करते हैं तो जो लाइटिंग होती है आपकी, तो इस तरीके से स्क्रीन पे शो करेगी। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल करके आप यूज़ कर सकते हैं और लाइटिंग भी शो कर सकते हैं इनेबल करके अपने सैमसंग फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगता हूँ।